हेलो एंड वेलकम ऑल टू क्लियर विजन फॉर यूपीएससी। अभी टाइम आ चुका है कि हम लोग अपने आप को प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि जिस तरीके से यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 का ट्रेंड आया था, जिस तरीके से चेंजेस देखे गए हैं, अब ये पॉसिबल नहीं है कि जनवरी से अगर कोई फ्रेश स्टार्ट करता है तो प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर कर पाएगा। मेजर डायलेमा ये आता है कि पॉलिटी के लिए आपको हर कोई कुछ ना कुछ बता देगा, पॉलिटी के लिए पढ़ना है, इकोनॉमिक्स के लिए ये पढ़ना है, मतलब हर सब्जेक्ट के लिए है। लेकिन एक ऐसा सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट, जो कि सबको सबसे ज्यादा डराता है कि एनवायरनमेंट को कैसे टैकल करें। क्योंकि देखो, कितना भी आप स्टैटिक पढ़ लो, क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि वो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व होंगे, जो आपने बुक्स से पढ़ा है वहां से सॉल्व होंगे, लेकिन डायरेक्टली वो बुक्स में मिलेंगे नहीं। तो जो ये अंडरस्टैंडिंग है, इसको कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, उसमें जो पेरेंट्स हैं वो इन दो बुक्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। एनवायरमेंट यूपीएससी प्रीलिम्स 2024, इसमें से सबसे बेस्ट बुक कौन सी है? तो शंकर आईएस, जो कि बहुत पॉपुलर है, काफी टाइम से टॉपर्स रेफर करते हैं, और एनवायरमेंट के लिए पीएमएफ आईएस, जो कि अभी अभी आई है, 1-2 साल हुए इसको आए, लेकिन इसने भी काफी नाम अपना यूपीएससी इंडस्ट्री में बनाया है। आज हम इस डायलेमा को सॉल्व करेंगे। देखो, यूट्यूब पे आपको ये चीजें कोई भी बता देगा, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, 4-5 पेज पलट कर, 4 शब्द पढ़कर कोई भी बता सकते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको बेस्ट चीज वही इंसान बता सकता है जिसने ये दोनों बुक्स पढ़ी है। या तो देखो, मैंने ये दोनों बुक्स पढ़ी है, अगर किसी और ने भी ये दोनों बुक्स पढ़ी है तो वो एक अच्छा रिव्यू दे सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैंने ये दोनों बुक्स पढ़ी है, इसलिए मैं बता सकता हूँ कि इसमें से बेस्ट बुक प्रेजेंट टाइम में कौन सी है। हमारे पास एक तरफ 8th रिवाइज एडिशन है एनवायरमेंट का, शंकर आईएएस एकेडमी की तरफ से, और एक है एनवायरमेंट का पीएमएफ आईएएस का, जिनका 2nd एडिशन अभी आया है। ठीक है, इन दोनों बुक्स में बेस्ट बुक कौन सी है, मैं आपको अपनी चॉइस वीडियो के एंड में बताऊंगा। ठीक है, उससे पहले आप खुद डिसाइड कर लोगे वीडियो देखते देखते कि आपको कौन सी बुक पसंद है। ठीक है, और इन दोनों बुक्स की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, बेसिकली वहां से मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे शंकर आईएएस की जो बुक है वो कैसी दिखती है, उसका कंटेंट कैसा है, उसकी लैंग्वेज कैसी है, क्या वो आज भी यूपीएससी की नीड्स को फुलफिल करती है या नहीं। शंकर आईएएस एकेडमी की तरफ से ये बुक आती है, और ये इनके एडिशन आ चुके हैं। ठीक है, जनवरी 2021 तक 8th रिवाइज एडिशन आ चुके हैं, आई थिंक अब 9th एडिशन भी इन्होंने कर दिया लॉन्च। अब ये बुक का कंटेंट देखते हैं। देखो, यहाँ पे इंडेक्स दिया गया हुआ है, इकोलॉजी फर्स्ट चैप्टर, उसमें क्या क्या है, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ऐसे करके इनका पूरा कंटेंट है। जो बुक होगी वो ब्लैक एंड व्हाइट ही होगी। ठीक है, देखो यहाँ पे जो मेजर चीजें हैं इन्होंने वैसे दे रखी है, बायो रिमेडिएशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, ई वेस्ट, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सब कुछ इंक्लूडेड है, ऐसा कुछ नहीं कुछ मिसिंग है। प्रॉब्लम ये आती है कि हम यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान ना एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं कम से कम 10 से 15 चीजें पढ़ रहे होते हैं उस वक्त, और हमारे माइंड को कुछ कलरफुल चाहिए होता है, हमारे माइंड को कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए होता है। ऐसे ये जो ब्लैक एंड व्हाइट चीजें हमें कम पसंद आती है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। आगे देखते हैं, बायोडाइवर्सिटी में इन्होंने इंडेक्स दे रखा है, वो काफी अच्छी है। उसके बाद ऐसे इंडेक्स खत्म होता है, इन्होंने फिर उसके बाद क्या कर रखा है, अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, या फिर शायद इन्होंने इस एडिशन में प्रीलिम्स के पीवाईक्यू इंक्लूड किए हो। देखो यहाँ पे 2011 क्वेश्चन पेपर, 2011 से लेकर प्रेजेंट तक ये लोग यहाँ पे करा होगा, इन्होंने 2021 तक करा होगा, जब अगर ये 8th रिवाइज एडिशन है तो 2021 तक इन्होंने इंक्लूड कर रखी है। तो आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो और यहाँ पे आके आप उसे सॉल्व करके चेक कर सकते हो आपको टॉपिक कितना आया। जैसे आपने क्लाइमेट चेंज का पूरा टॉपिक पढ़ा और यहाँ पे आके आप चेक करोगे। ठीक है, ऐसे ये, और इन्होंने यहाँ पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अलग से बता रखे हैं कि ऑयल जैपर ये करंट अफेयर में था तो ये आया था, मैप बेस्ड क्वेश्चन, एक्ट एंड पॉलिसीज, फिर 2012 का क्वेश्चन पेपर, ऐसे करके इन्होंने सारे क्वेश्चन पेपर 2011 से लेकर प्रेजेंट तक के दे रखे होते हैं। ये तो बुक के हो गए प्रीलिम्स के पीवाईक्यू स्टार्टिंग में जो इन्होंने दिए हैं। अब देखते हैं बुक की खास बात क्या है। पार्ट वन यहाँ से प्रिपेयर होता है, और जो बुक का कंटेंट है वो काफी बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल अप्रोच इन्होंने अपनाई है, बहुत ही लेमैन की लैंग्वेज है, लैंग्वेज काफी इजी है, अच्छी है। ये इनके डायग्राम्स का लेवल है, जो कि पर्सनली मुझे नहीं समझ आता, इतना मुझे नहीं पसंद है। मतलब मैं ऐसे सोचता हूँ कि थोड़ा सा कलरफुल हो, माइंड को अट्रैक्टिव लगे तो बुक पढ़ने में मजा आए, क्योंकि एक टाइम के बाद एस्पायरेंट्स बोर होने लग जाते हैं। बट इट्स ओके, बुक काफी अच्छी है, इसमें कोई कमी नहीं है, आप बुक देख सकते हो। इन्होंने डायग्राम्स बना रखे हैं, मतलब चार्ट बना रखे हैं, अच्छे से दिखा रखा है कि क्या क्या है, और फ्रेश वाटर सेलाइन, मराइन, हर चीज इन्होंने दे रखी है, फिर से इकोटोन का इन्होंने समझा रखा है।
यहाँ पे ये बायोम आपको समझा रखा है। तो दिख रहा है ना आपको बुक कैसे है। बुक को यूपीएससी के परस्पेक्टिव से ही बनाया गया है कि आप लोग इस पे बेस्ट परफॉर्म करें। और इसका मोस्ट पार्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि इसको यूपीएससी टॉपर्स बहुत रिकमेंड करते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा है। ये पूरी बुक ऐसी ही है, पूरी की पूरी बुक ऐसी ही है। देखो ब्लैक एंड व्हाइट में है और सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। ऑलमोस्ट 435 पेजेस की ये बुक है, और जिसमें से 435 में से आप ये समझ लो कि आपको 150 पेजेस नहीं पढ़ने होते, आप कट कर देते हो, एक्स्ट्रा होते हैं, जो एक्स्ट्रा चीजें होती है जो हम पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो हमें पता लगता है कि हमें जो चीजें इंपॉर्टेंट है वही पढ़नी है। अब हम देखते हैं पीएमएफआईएस की बुक, जो कि बिल्कुल न्यू है, इतना अभी इसका नाम नहीं है, बट जो पढ़ते हैं उनको पता है कि ये भी एक नया कमाल कर रही है इंडस्ट्री में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ये लोग अच्छे से कवर करते हैं। पीएमएफआईएस का ये सेकेंड एडिशन है, वो बुक 435 पेजेस में थी, ये बुक 291 पेजेस में है। सेकेंड एडिशन पार्ट वन है ये, और इसमें आई थिंक पार्ट टू भी इंक्लूडेड है 291 पेजेस में। बाकी अगर नहीं भी है तो आप मुझे इन्फॉर्म बता देना कमेंट्स में, बाकी मुझे जहां तक लगता है यही है। इन्होंने अपनी बुक में पहले ही रिफाइंड, ल्यूसिड, एलिगेंट, कलरफुल, टू द पॉइंट, एंगेजिंग, ये चीजें कीवर्ड्स इंक्लूड करके इन्होंने बताया है कि इनकी बुक ये सारी चीजें इंक्लूड करती है। उसके बाद इन्होंने सेम शंकर आइस के जैसे ही इंडेक्स दे रखा है, थोड़ा सा डिटेल इंडेक्स है इनका उनसे। यहाँ पे देखो डिटेल इंडेक्स का फायदा ये होता है कि हम लोग इंडेक्स में ही, जैसे मेरे को फूड चेन नहीं आता है तो मैंने यहीं पे फूड चेन लिख लिया और वापस मेरे को पर्टिकुलरली चैप्टर पे नहीं जाना पड़ता पूरा समझने के लिए, मैं यहीं पे लिख लूंगा। तो डिटेल इंडेक्स की खासियत बता रहा हूँ, तो मेरा लिखने के हमारे काम हो जाता है। खैर वो सारी बातें बात की हैं, देखते हैं बुक कैसी है। तो बुक ऐसी है कि यहाँ पे आपको डायरेक्ट, जैसे वहां पे प्रीलिम्स के पीवाईक्यू दिए गए थे, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया गया, डायरेक्ट चैप्टर वन से स्टार्ट कर दिया है और आपको समझाया गया। बुक ऐसे दिखती है कलरफुल, और इनके डायग्राम्स ऐसे दिखते हैं, जो कि मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, पढ़ने में मजा आता है, मैं बोर नहीं होता था। ठीक है आप भी बोर नहीं होगे, इनके डायग्राम्स अच्छे हैं। तो ये इनके डायग्राम्स हैं, यहाँ पे देखो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, एबायोटिक, बायोटिक। और यहाँ पे सिर्फ इन्होंने टेक्स्ट का यूज नहीं किया, जैसा कि मैंने कहा इन्होंने नीचे एक इमेज भी दे रखी है जिससे हमें चीजें याद रहे। ठीक है इनका जो ये कलरफुल लीज न्यूट्रिएंट्स वॉच अवे, ये कहीं ना कहीं हमें बताते हैं कि चीजें इंपॉर्टेंट है, ये चीजें जो कलरफुल में ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इनको हमें पता होना चाहिए। इनकी सबसे खास बात मैं आपको बताता हूँ जो कि मुझे बहुत पसंद है, इन्होंने ना जहां से भी, जैसे इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन अगर यूपीएससी ने पूछा तो इसके नीचे ये लोग मेंशन कर रहे हैं कि 2015 में इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, और फिर इन्होंने इसका एक डिटेल्ड आंसर भी दे रखा है, समझा रखा है पूरा अच्छे से, जो कि यूपीएससी एस्पायरेंट्स की नीड होती है, ये चीज हमें अलग से करनी पड़ती है, इन्होंने यहीं पे कर रखा है। उसके बाद 2012 में क्या क्वेश्चन आया था रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से, यहाँ पे, और एक्सप्लेनेशन अच्छा खासा दे रखा है। मतलब अगर आप देखो तो इस बुक में एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे दे रखे हैं हर चीज का। ठीक है उसके बाद इन्होंने देखो डायग्राम्स बड़े बड़े दे रखे हैं, मतलब एक होता है कि छोटा सा देकर छोड़ नहीं दिया, एक सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी करी, ऐसा नहीं है। इन्होंने काफी अच्छा उसको बनाया है कि हमें चीजें याद रहे, इमेज के थ्रू हम चीजों को याद कर लें, अगर हम एग्जाम में भूलते हैं तो हम इनको याद कर लें। मुझे ऐसा लगता है कि हम इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, हमें कुछ ऐसे ही बुक की नीड होती है, कलरफुल चीजों की नीड होती है जिसके थ्रू हम चीजों को जल्दी समझें। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में देखो यहाँ पे इन्होंने कितने अच्छे से एक डायग्राम के थ्रू चीजें समझाई है, टिश्यूज, फिर ऑर्गन, फिर ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फियर, अर्थ, सोलर सिस्टम। कभी भी अगर आप कोई भी कंपैरिजन देखते हो तो सामने वाले से क्वेश्चन करो कि किस बेसिस पर आप ये कंपैरिजन कर रहे हो। आपने पढ़ी है दोनों बुक्स? मैंने दोनों बुक्स पढ़ी है। शंकर आयस इज अ वेरी गुड बुक, मुझे बहुत पसंद थी पहले, बट आफ्टर रीडिंग 2-3 टाइम्स मुझे बोर होने लग गया इस चीज को लेकर कि काफी ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट है, और एनवायरमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे थोड़ा सा अगर हम एंगेज नहीं होते हैं सब्जेक्ट के साथ तो हम प्रिलिम्स में पीवाईक्यू सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने इस बुक को, जब मैंने पर्टिकुलरली इस बुक पे जब स्विच किया तब मुझे पता चला कि ये बुक काफी एंगेजिंग है। और उसके बाद प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आए, इससे उससे पहले मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन आए मैं उनको सॉल्व करने लग गया, और मुझे काफी एनवायरमेंट अच्छा लगने लग गया। तो कुछ इस तरीके से इनके डायग्राम्स होते हैं, ये इनके बुक की खासियत है। और मैं आपको कुछ और चीजें दिखाता हूँ। देखो लास्ट में इन्होंने ना नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये चीजें पहले दे रखी होती थी अपने फर्स्ट एडिशन में। यहाँ पे देखो इनके डायग्राम्स, जो ये लोग जो चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन्होंने इसको डिटेल में समझा रखा है डायग्राम्स के थ्रू। ठीक है आपकी चीजें दिख रही होंगी कि इनके डायग्राम्स काफी हाई क्वालिटी के हैं, अच्छे डायग्राम्स।
दोनों बुक मैंने आपके सामने अभी अभी आपको दिखाया, उनको कैसी दिखती हैं, उनका कंटेंट कैसा है, कलरफुल कलर कितना है, सारी चीजें मैंने आपको दिखाई। यहाँ पे क्वेश्चन फिर से मैंने दे रखा है। अब मैं आपको ये चीज बताता हूँ कि आप चूज क्या करेंगे। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि विच बुक इज बेस्ट, कौन सी बुक सबसे अच्छी है। तो देखो, अगर ये हमें जानना है कि सबसे बेस्ट बुक कौन सी है फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2024, क्योंकि अब सारा मामला 2024 प्रीलिम्स का है, डी डे के दिन आप कौन सी बुक पढ़ के जा रहे हो, कौन सी बुक से आपने प्रिपेयर किया है। देखो, शंकर आईएएस जो है वो रिकमेंडेड बाय टॉपर्स है। इसका सबसे पहला जो मेन पॉइंट है, इसका प्लस पॉइंट, वो टॉपर्स रिकमेंड करते हैं क्योंकि ओल्ड बुक है, तो क्या ये गोल्ड है। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक कोई हम नई बुक नहीं स्टडी नहीं करेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, तब तक कोई उसे रिकमेंड नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट में क्रेज बना रहता है ना किसी एक बुक को लेकर, तो लोग उसी का क्रेज बनाना चाहते हैं क्योंकि इससे उनको पॉपुलैरिटी मिलती है। अगर आप किसी रैंडम बुक का नेम लोगे तो आपको उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिलेगी, लोग भूल जाएंगे। लेकिन एक अच्छी बुक को फेमस करना बहुत जरूरी है। मैं किसी को भी फेवर नहीं कर रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ। इसमें कोई भी PYQ टॉपिक के सामने नहीं दे रखे हैं, जिससे हमें एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग मिलती है इस टॉपिक से कि ये पर्टिकुलर टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, कितना डीप में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। ब्लैक एंड व्हाइट है इसके सारे पेजेस, तो मैं इसे बहुत ज्यादा एंगेजिंग नहीं मानता हूँ। मुझे नहीं, मैं नहीं मिल, मेरे को ये नहीं लगता कि बहुत एंगेजिंग है। इसके डायग्राम बहुत खराब है, बहुत ही ब्लैक एंड व्हाइट है, कई बार तो दिखता ही नहीं कि उन्होंने क्या कर रखा है। PMFIS का जो मेरे को बेस्ट लगता है, मैंने उनके प्रोज ही लिखे हैं, कॉन्स मेरे को नहीं लगते इनकी कोई है, अच्छी बुक है। रीडेबल फॉन्ट है, डिटेल्ड इनके आंसर एक्सप्लेनेशन आप लोगों को मैंने दिखाया। स्टूडेंट फ्रेंडली बुक है, कलर कोडेड विद करंट अफेयर्स अपडेशन। देयर वेबसाइट इज ऑल्सो हेल्पफुल, इनकी जो वेबसाइट है ये लोग अपडेट करते रहते हैं। PMFIS में आप कैसे करंट अफेयर को ऐड कर सकते हो, बहुत ज्यादा एंगेजिंग है, आप लोगों ने देखा। ब्यूटीफुल डायग्राम्स मेक सब्जेक्ट वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड। प्रीलिम्स PYQ गिवन आफ्टर टॉपिक्स, आप लोगों ने ये भी देखा। डिटेल्ड मैप्स इन कलरफुल मैनर, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी अपनी तरफ से बना के दिखा रहा हूँ, मैंने आप लोगों को वो प्रूफ दिखाया है पहले कि बुक कौन सी ज्यादा बेटर है। फाइनल चॉइस फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2024, तो आप चुने क्या। देखो, आप शंकर राय इसके साथ भी जा सकते हो, आप इसके साथ भी जा सकते हो, मोर और लेस कंटेंट दोनों का सेम है, ठीक है। लेकिन जब बात आती है कि मुझे रिवीजन करना है बार बार, मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिवीजन, 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स ऑफ रिवीजन, क्योंकि एनवायरमेंट को अगर हमें टैकल करना है यूपीएससी प्रीलिम्स विद ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो आप कौन सी बुक चूज करें। अगर मैं अपनी चॉइस बताऊं तो मैं PMFIS के साथ जाऊंगा, क्योंकि मुझे PMFIS बहुत एंगेजिंग लगता है, बहुत अच्छी बुक लगती है, पढ़ने में अच्छा लगता है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। तो मैं सबको यही रेफर करता हूँ, अगर कोई मेरे से पूछता है तो आप PMFIS पढ़कर देखिए, काफी अच्छा लगेगा। और इन दोनों PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल से दोनों PDF वहां से डाउनलोड कर सकते हो, आप एक बार रिव्यू कर सकते हो कौन सी बुक ज्यादा बेटर आपको लग रही है। बट मेरी जो पर्सनल चॉइस रही है वो PMFIS के साथ रही है। इसके बाद हम अगली वीडियो में देखेंगे कि PMFIS को कैसे हमें कवर करना है, प्लस एनवायरमेंट के लिए बेस्ट तरीके से हम सोर्सेज तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन उनको यूज कैसे करना है कि मिनिमम टाइम में हम मैक्सिमम आउटपुट ले सकें। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।